नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सीबीएसई 2019 में अपना जो सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स का अपलोड किया है उसका सॉल्यूशन। 2019 में आपके जो बोर्ड में पेपर आएगा उसमें कुछ चेंज होंगे, मैं चेंज आपको बता देता हूँ क्या चेंज है, और वो चेंज आपके बेनिफिट में बहुत अच्छे हैं। पहले आपको इंटरनल चॉइस और वाले क्वेश्चन, ये और वाले क्वेश्चन केवल सेक्शन सी और सेक्शन डी में मिला करते थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में मिलेंगे। एक क्वेश्चन सेक्शन ए में आएगा जिसमें और लिखा होगा, और तीन क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में जिनमें और लिखा होगा। इंटरनल चॉइस आपकी चार क्वेश्चनों पर और बढ़ा दी गई है, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हम इस सैंपल पेपर को सॉल्व करते बाद इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम कंसेप्ट भी आपको बता सकें कि क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लग रहा है, उस तरह के दूसरे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकें। खाली ये सैंपल पेपर ही हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको कंसेप्ट भी बता सकें। इसलिए बहुत ईमानदारी से इस काम को करने की कोशिश करें आप, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन आपको हमें और देनी है, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने आपके लिए आपकी फर्स्ट बुक्स और सेकंड बुक दोनों एनसीईआरटी टेस्ट बुक्स को लेते हुए, ठीक है, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हुए 100 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। 100 वो क्वेश्चंस नहीं है, एक्चुअली वो 100 कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं मान के चलता हूँ कि यदि आप 100 कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। यदि एक बार आप उन क्वेश्चनों को करेंगे तो उन क्वेश्चनों को करने के बाद आप दूसरे क्वेश्चनों को बहुत ईजी तरह से सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको हर क्वेश्चन लेते हुए, एग्जाम्पल लेते हुए बहुत अच्छी तरह से उन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। पूरी बुक में से 100 कॉन्सेप्ट को मैंने डिजाइन किया आपके लिए, ठीक है। उनका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, एक साइड है विद्याकुल जो हमारी सहयोगी साइड है, ठीक है, जो हमारी इसमें टेक्निकल सपोर्ट करेंगे हमारे लिए। उस साइड पर जाके आपको लिंक में दे रहा हूँ, उस साइड पर जाके उन क्वेश्चनों को आप डाउनलोड कर सकते हो, उनको वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, और अपने मोबाइल में चला सकते हो या अपने डेस्कटॉप लैपटॉप पर जहाँ पर भी आप चलाना चाहो उनको प्ले कर सकते हो, ठीक है। उसकी थोड़ी सी मैंने कॉस्ट रखी है, मैं आशा करता हूँ कि इतनी कॉस्ट आप मेरे लिए जरूर पे कर सकते हो। कुछ वेबसाइट के खर्चे हैं, कुछ थोड़ी सी मुझे भी खर्चे आते हैं, उन खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ थोड़ी सी पैसे की जरूरत है, इसलिए इसकी कुछ कॉस्ट रखी है। आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप थोड़ा सा इस मामले में मेरे को कॉपरेट करेंगे। आने वाले समय में विद्याकुल साइट पर आपके लिए वेक्टर और 3D में मैं अपलोड कर दूंगा, वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 3D और वेक्टर में स्टूडेंट को अधिकतर प्रॉब्लम आती रहती है, वो चैप्टर भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप उनको भी वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। इसलिए एक बार जाके उन क्वेश्चनों को देखें और उनको सॉल्व करने की आप जरूर कोशिश करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, और मैं समझता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। चलिए सर सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को। पहले आज मैं आपको सेक्शन ए सॉल्व करूँगा। इस पेपर को सॉल्व करने में हम कम से कम 4-5 वीडियो लगाएंगे, 4-5 दिन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स से है, यहाँ पर मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है उनका यूज करते हुए एक क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर जो है वो 3x3 का है, ठीक है, दो मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको ध्यान रखिएगा सेक्शन से ए से। और साथ में उसने कहा है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए, इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो 2 है, और साथ में ये भी रखा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें और उसका इन्वर्स निकालें और फिर उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें तो निकल के आती है -1/6, ठीक है। तब कह रहा है बताइए कि बी की मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है। यहाँ पर दो प्रॉपर्टी लगेंगी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की। पहली प्रॉपर्टी क्या लगेगी, पहली प्रॉपर्टी तो लिखें कि ए मैट्रिक्स है, आप उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल दिया। और आपसे कहा जाए कि ए इन्वर्स निकालें, अब ये डिटरमिनेंट निकालें, तो कैसे निकालेंगे, तो ये नहीं है कि आप इस मैट्रिक्स का पहले इन्वर्स निकालें फिर डिटरमिनेंट निकालें। इसके हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट जो है वो 1/ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए होता है, याद रखोगे, ठीक है। आप इस बात को यहां पर ये भी कह सकते हो कि ए बी का होल इन्वर्स जो है इसकी डिटरमिनेंट जो वैल्यू आएगी वो 1/ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू बी के बराबर आएगी, ये प्रॉपर्टी याद रखोगे, ठीक है। और ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है -1/6, राइट। अब देखिए एक प्रॉपर्टी ये यूज हो गई और दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास ये होगी, यूज होगी कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करके डिटरमिनेंट निकालें, या पहले डिटरमिनेंट अलग अलग निकालें फिर मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर आएंगे, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो कि 1/ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द बी इक्वल टू जो है वो -1/6 आएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए दे रखा है 2, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1/2 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द बी
इक्वल टू माइनस वन अपॉन सिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू डिटरमेंट वैल्यू ऑफ द बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस सिक्स, तो डिटरमेंट वैल्यू ऑफ द बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स अपॉन टू माइनस थ्री आ जाएगा। तो ये आंसर को आप इस तरह से रेक्टेंगल बंद करिए, ध्यान रखिए स्टूडेंट, वन मार्क्स क्वेश्चनों में केवल आंसर देखा जाता है, ठीक है, आपका ये मेथड नहीं देखा जाएगा। यदि आपका आंसर सही है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, यदि आपने एडिशनल मेथड कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने आंसर गलत लिख दिया और ये मेथड फॉलो कर दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्लियर है, ठीक है, इसलिए आंसर एग्जामिनर को साफ साफ दिखना चाहिए, बस में आ गई ठीक। दूसरा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट करने का, देखिए आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन, यदि यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह और थोड़ा सा फंक्शन बड़ा लिख दिया जाए और यहां पर भी थोड़ा सा बड़ा फंक्शन लिख दिया जाए तो ये क्वेश्चन चार नंबर का बन जाता है और आपकी एनसीईआरटी टेस्ट बुक्स में केवल एक ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन आपकी रिफ्रेशर बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ये बात समझने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करते हैं इसको, मान लेता हूं ये मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं इसको हमको, ठीक है ना, मान लेता हूं ये चीज यू है तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दीजिए इसे, यहां पर स्क्वायर का मतलब है इसमें होल स्क्वायर लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरे फंक्शन को लिख लीजिए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब आप यहां से डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर लिखिए डी यू ओवर डी एक्स, इस पूरे फंक्शन को आप x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, जब आप इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो इस नंबर को x मानोगे ना, तो क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, मैं यहां पर चेन रूल लगा रहा हूं, x स्क्वायर हो गया, इस पूरे नंबर को मैंने x माना तो x स्क्वायर हो गया, और x स्क्वायर डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है 2x आता है, तो ये आ जाएगा 2x, लिखा क्या जाएगा, लिखा जाएगा sin x स्क्वायर, तो इतना आ गया, हमने इसको x माना था, जिसको हम x मानते हैं उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम साइन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको x मानेंगे, ठीक है ना, इसको करने का शॉर्ट तरीका भी है, पर मैं आपको बहुत प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं, इसलिए दूसरे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते, ठीक है ना, इसको करेंगे तो इसको x मानेंगे तो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, अब x स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा, तो इस पूरे फंक्शन को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा इतना बड़ा, ठीक है, अब आप क्या करें, अब आप ऐसा करिए यहां से dv ओवर dx निकालिए, जब आप यहां से dv ओवर dx निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x x के रेस्पेक्ट, अब आपको निकालना है एक्चुअल क्या है, निकालना है du ओवर dv, यदि आपने इसको u माना था और इसको आपने b माना था तो आपको क्या करना था, इस u को b के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना था, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है du ओवर dv, और ये किसके बराबर आता है, हमेशा ध्यान रखिए, ये आएगा du ओवर dx डिवाइड बाय dv ओवर dx, कोई भी क्वेश्चन आप आराम सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा, यहां पर आएगा ऊपर ये नंबर आएगा 2 sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर इंटू 2x और नीचे आ जाएगा 2x, तो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 sin x स्क्वायर और cos x स्क्वायर, समझिए ना कंसेप्ट, ठीक है, दूसरी बात क्या समझें, आप आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हो और आंसर यहां पर भी छोड़ोगे तो भी वन मार्क्स मिलेगा, और इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व कर दोगे तो और अच्छा रहेगा, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है ना हमारे पास 2 sin a cos a, क्या होता है ये होता है sin 2a, ये फॉर्मूला यहां पर लगाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन टू एक्स स्क्वायर, आप अपना आंसर यहां छोड़ सकते हो, इसको रेक्टेंगल बंद करके आइए या इस नंबर को रेक्टेंगल के अंदर बंद करके आइए, आपको आंसर एक्चुअली साफ साफ दिखना चाहिए, एग्जामिनर को आंसर साफ साफ दिखना चाहिए। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से है और पूछा गया है कि बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसी इक्वेशन में कितने टाइम डिफरेंशिएशन आया है वही उसी इक्वेशन क्या माना जाता है, ऑर्डर माना जाता है। जैसे हमारे पास कहा जाए कि क्वेश्चन थर्ड है ये, लॉग डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, ये है होल क्यू प्लस थ्री, किसी फंक्शन को देखिए, हमारे पास मान लेता हूं कोई फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स एन है,
इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स आएगा, कितना आएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन आएगा। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आएगा, फिर करेंगे तो डी क्यू बाई ओवर डी एक्स क्यू आएगा। तो कहने का मतलब है इसमें मैक्सिमम डिफ्रेंशिएशन कितना आया है, तो मैक्सिमम डिफ्रेंशिएशन आया है थ्री सॉरी टू। तो इसका जो ऑर्डर लिखा जाएगा कितना लिखा जाएगा, ऑर्डर जो लिखा जाएगा वो टू लिखा जाएगा। यदि यहाँ पर थ्री होता, यहाँ थ्री नहीं, यहाँ पर थ्री होता तो इसी इक्वेशन का ऑर्डर क्या माना जाता, थ्री माना जाता। मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएशन आया है वही क्या माना जाता है, इसका ऑर्डर माना जाता है। बहुत सीधी भाषा में समझिए, ठीक है। अब जरा एक बात और समझ लें, क्या आपका इतना लिखने से ही आपको वन मार्क्स मिलेगा, ठीक है, इसको कैलकुलेशन नहीं है, सीधा ऑर्डर टू लिखने पर। लेकिन वो क्या होता है, एक बात और समझ लें, स्टूडेंट कई बार इस बात को कोने में कॉपी में लिख देते हैं, वहाँ जगह नहीं छोड़ते, और उस कंडीशन में एग्जामिनर को वो चीज़ दिखते नहीं है और क्वेश्चन बिना चेक रह जाता है, ठीक है। तो बहुत क्लियर दिखना चाहिए कि साहब ये सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर ऑर्डर टू है, टू लिखा हुआ साफ साफ दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल विच लाइन विद द डायरेक्शन कोसाइन दिस मेक द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन आपको दे रखे हैं वो लाइन एक्स जेड एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ डायरेक्शन कोसाइन बताऊंगा मैं आपको क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये क्या है आपका जेड एक्सिस है। देखो ये लाइन है, ये लाइन अल्फा एक्स के साथ एंगल बना रही है, ये लाइन वाई के साथ बीटा एंगल बना रही है, और ये लाइन जेड एक्स के साथ गामा एंगल बना रही है, ठीक है। ये लाइन हो सकती है, ये वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थ्री डी में कोई लाइन एक्स के साथ जो एंगल बनाती है उसका कॉस ले लिया जाए तो एल आता है, एल कॉस अल्फा, ठीक है ना। एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन डीसी ऑफ द लाइन इज रिप्रेजेंट बाई एल एम और एन, और एल क्या होता है, एल होता है जो लाइन एक्स के एंगल बना रही है ना उसका कॉस ले लिया जाए, तो हमारे पास एल आ जाता है। एम क्या आता है, जो एंगल बाई के साथ बना रही है उसका कॉस ले लिया जाएगा, और एन क्या होता है कॉस गामा, ठीक है। यहां पर आपको एक्चुअली स्टूडेंट से इसके डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, एल कितना गिवन है, एल आपको गिवन है वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है सर, एल वन अपॉन रूट थ्री है, और एम जो है आपके पास वन अपॉन रूट सिक्स है, और ये एन आपको एन ही गिवन है, ठीक है। तब आपको बताना है कि ये एंगल कितना होगा, गामा कितना एंगल होगा। एक रिलेशन और समझ लें, आपको एल एम और एन पता लगे, एल एम एन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं किसी लाइन के, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं, कि जो लाइन एक्स के साथ एंगल बना रही है, वाई के साथ जो एंगल बना रही है, जेड के साथ जो एंगल बना रही है उसका कॉस ले लिया जाए तो डायरेक्शन कोसाइन निकल के आते हैं। इनके बीच एक रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है वो हमेशा किसके बराबर आता है, वन के बराबर आता है, याद रखोगे, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर एल दे रखा है, एम दे रखा है, और एन हमारे पास क्या होता है, एन हमारे पास होता है कॉस गामा, ठीक है। तो इन तीनों को वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वन अपॉन रूट सिक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना आएगा, वन आएगा। अब हम किसी तरह से यहाँ पर एक्यूट एंगल बताना है, तो हमें बताना है कि एल गामा कितना होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम गामा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन थ्री, ये हो जाएगा वन अपॉन सिक्स, ये हो जाएगा कॉस गामा, और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन, तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू जो आएगा वन माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन सिक्स आएगा। तो कॉस स्क्वायर गामा आगे सॉल्व करेंगे तो सिक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन सिक्स आएगा, तो कॉस स्क्वायर जो गामा है वो आपके पास थ्री अपॉन सिक्स आएगा। तो आप देखेंगे कि कॉस स्क्वायर गामा जो है आपके पास वन अपॉन टू आ रहा है, ठीक है। तो कॉस गामा कितना आएगा, कॉस गामा एक्चुअली प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक्यूट एंगल निकालने की कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल, इसका मतलब है एक्यूट एंगल कॉस में पॉजिटिव वैल्यू देगा तो हो जाएगा कॉस गामा इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आंसर वन अपॉन रूट टू आ जाए, तो आंसर क्या होता है 45 डिग्री। तो आपके पास गामा जो है यहां पर कितना निकला 45 डिग्री, ये आपको एग्जामिनर को 45 दिखना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात समझ आ गई, ये आप पूरा मेथड करके आते हो तो प्लस पॉइंट मिलेगा आपको, अच्छा रहेगा। और एक स्टूडेंट्स को पूरा मेथड करना चाहिए, उसको सॉल्व करने में ज़्यादा दो मिनट लगेंगे, या दोस्तों कंसेप्ट पता है तो, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट को पूरा अच्छी तरह सॉल्व करके आना चाहिए, ये नहीं है केवल आंसर लिख के आ जाए। यदि कोई मजबूरी है हमें सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा और आंसर ही हमें पता है तो हम सीधा आंसर लिख सकते हैं, तो अभी हमें क्या मिलेगा, वन मार्क्स मिलेगा। इसकी चॉइस में जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए, यहाँ पर बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छी तरह कंसेप्ट को समझेंगे हम।
कि डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, दो बातें मैं बहुत अच्छी तरह बताऊंगा आपको। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास और में, यह है फोर्थ का और पार्ट। आपको ये क्वेश्चन देखिए, एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन टू, इसे लिखने के तरीके को समझिए, ठीक है ना। इसका लिखना क्वेश्चन का तरीका भी समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा गया है, ठीक है ना। और फिर इसके इक्वेशन का डायरेक्शन रेशियो कैसे पता लगेगा, और फिर इसे डायरेक्शन कोसाइन कैसे पता लगेगा, ये बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए हमें। देखिए स्टूडेंट, इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू, ध्यान रखिए इसकी कोफिशन को पॉजिटिव लिखिए और यहाँ पर आएगा माइनस का वन, ठीक है, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे जेड प्लस वन अपॉन टू, और चाहो तो यहाँ पर माइनस का जीरो कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, लिख लिया आपने, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए यहाँ पर x का कोफिशियंट पॉजिटिव है, यहाँ पर y का कोफिशियंट पॉजिटिव है, और यहाँ पर z का कोफिशियंट पॉजिटिव वन है, पॉजिटिव नहीं वन भी है, यहाँ पर हर जगह वन आना चाहिए, ध्यान रखिए हर जगह वन है। तो यहाँ पर जो नीचे नंबर लिखे होते हैं ना, उन्हें डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, क्या बोलते हैं, डी आर ऑफ द लाइन, डी आर ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, टू माइनस वन और टू, इस लाइन का आपको डायरेक्शन रेशियो पता लगे, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो पता लग चुके हैं, अब डायरेक्शन रेशियो को हम ए बी सी कहते हैं, ये ए आ गया, ये बी आ गया, और ये क्या आ गया, सी आ गया। अब आपको डायरेक्शन रेशियो पता लग जाते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे पता लगते हैं, वो कह रहा है कि बताइए इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि एल बराबर होता है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप समझ गए कि कोई इक्वेशन इस तरह की लिखी गई है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो नंबर आते हैं वो हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनते हैं ये समझ लें। तो एल बराबर होता है ए अपॉन दिस, एम बराबर होता है बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन होता है सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप एक बार ये निकाल लीजिए कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर प्लस वन प्लस फोर, सॉल्व करेंगे तो थ्री आ जाएगा। तो आपका जो L आएगा वो L आएगा टू अपॉन थ्री, ठीक है, बस मेरे हो। और M जो आएगा वो आएगा माइनस वन अपॉन थ्री, और N जो आएगा वो आएगा टू अपॉन थ्री। एक बात बहुत क्लियर कर दूं, आप यदि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो भी डायरेक्शन रेशियो आप क्या ले सकते हो, माइनस टू वन और माइनस टू, ये भी ले सकते हो, और उस कंडीशन में डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे माइनस टू अपॉन थ्री, एम क्या हो जाएगा वन अपॉन थ्री, और एन क्या हो जाएगा टू अपॉन थ्री, माइनस टू अपॉन थ्री हो जाएगा, वो भी करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी एकदम 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। तुम समझ गए होंगे कि डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले जाते हैं। मेरी बात आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई हूँ, मैं सेक्शन ए को सॉल्व कर दिया है, अगले वीडियो में इसका मैं सेक्शन बी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, कोशिश करूँगा, सॉल्व करूँगा, कल आपको अपलोड कर दिया जाएगा वो। एक बात और समझ लें, मैंने विद्याकुल लिंक आपको नीचे दे रखा है, आप वहाँ पर एक बार जाकर विजिट जरूर करें और देखेंगे मैंने आपके लिए क्या डिज़ाइन किया है। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।